देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी और मैं हूं आपके साथ मनदीप कुलकर्णी। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं मनी माजरा के पार्षद जगतार सिंह जग्गा जी। आइए उनसे जानते हैं चुनाव के बारे में कुछ जानकारी। सर, आपका तो पहले हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। सर, 5 साल के कार्यकाल में बीजेपी ने क्या क्या किया? 5 साल के कार्यकाल में बीजेपी ने वो किया है जो आज तक लोग सोच भी नहीं सकते। जैसे कि सबसे बड़ा लेटेस्ट, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। पहले क्या करते थे, आंतकी अटैक पहले भी होते थे, उसके बाद हम मैच नहीं खेलेंगे जी, मैच बंद कर दो, वार्ता बंद कर दो। लेकिन ये मोदी जी हैं या भाजपा सरकार ही है जिसने उसी टाइम जवाब दिया और जिसका नतीजा ये है कि आज देश के अंदर हमारे नागरिक को लग रहा है कि एक देश में ऐसा प्रधानमंत्री आया है जो डिसीजन ले सकता है जो आज से पहले नहीं हुआ। चंडीगढ़ से भाजपा की सीट को काफी कमजोर बताया जा रहा है, तो उस पर आपकी क्या राय? चंडीगढ़ की सीट कभी भी कमजोर नहीं रही, पहले तो ये बात क्लियर है। दूसरी बात, चंडीगढ़ जब बना था सबसे पहले भी जनसंघ ने ही यही सीट जीती थी। उसके बाद आज जो चंडीगढ़ की स्थिति है, ये गलत फहमियां लोगों में फैलाई जा रही कांग्रेस द्वारा कि किरण खेर जी मिलते नहीं, आते नहीं। मैं इस चीज का गवाह हूं कि जब से वो चंडीगढ़ जीत कर आए हैं सिर्फ और सिर्फ बॉम्बे सिर्फ अपने दिवाली पर अपने परिवार से मिलने जाते हैं, उसके अलावा 24 घंटे यहीं पर उपलब्ध रहते हैं। क्योंकि उस चीज का सामने उदाहरण है, हमारे यहाँ पर मनी माजरा में अंडर ब्रिज का काम था जो रेल मंत्री होते हुए भी इन्होंने कह दिया था ये अंडर ब्रिज नहीं बन सकता। हमारी किरण खेर ने, हमारे नगर निगम ने मिलकर जब प्लान तैयार किया, आज सबके सामने है, वो बनकर तैयार हो रहा है और कुछ दिनों में वो चालू हो जाएगा। मैं तो ये कहूंगा कि पवन बंसल जी वोट किस आधार पर मांगने आ रहे हैं? आज वो कह रहे हैं कि मनी माजरा का मैं कायाकल्प कर दूंगा। 15 साल राज किया है, 15 साल मनी माजरा को क्यों भूले रहे वो? आज गली गली कहीं उनका बेटा आ रहा है, कहीं उनकी बीवी आ रही है, कहीं खुद आ रहे हैं। अगर काम किया होता तो उनको इतने घूमने की जरूरत नहीं थी। तो अभी जो मोदी जी विजय संकल्प रैली करके गए, तो उससे क्या लगता है कि चंडीगढ़ की जनता पर कोई प्रभाव डला या नहीं? मोदी जी का प्यार है चंडीगढ़ की जनता के साथ कि एक सीट के लिए वो रैली करने आए। वो इसलिए नहीं आए कि यहाँ 10 सीटें पड़ती हैं, 20 सीटें हैं। देखो, एक सीट पर आना दर्शाता है कि मोदी जी को एक लगाव है चंडीगढ़ से, क्योंकि वो जब प्रभारी थे लगातार बहुत साल यहाँ रहे, यहाँ से जाने के बाद सीधे वो सीएम बने, फिर वो पीएम बने, लेकिन उनके लगाव में कभी अपने कमी नहीं आई। और बार बार उन्होंने कल जिक्र किया कि चंडीगढ़ का साथ देखते ही बढ़ रहा था और वो भी बड़े खुश होकर यहाँ से गए हैं कि युवाओं में इतना उत्साह था कि उन्होंने कहा आज से पहले इतनी बड़ी रैली हुई नहीं होगी चंडीगढ़ में, क्योंकि चंडीगढ़ के लोग हैं रैलियों में उनमें कम निकलते हैं। लेकिन मोदी जी के प्रति जो लगाव है इसलिए इतनी जनता निकल कर आई और साबित कर दिया कि जो लोग बोल रहे थे कि चंडीगढ़ में बीजेपी की स्थिति ठीक नहीं है, उनके मुंह पर एक तमाचा है। यदि चंडीगढ़ से किरण मैम को दोबारा चुना जाता है तो किन कार्यों पर ध्यान दिया जाएगा? ऐसे है मैडम, किरण खेर ने इतने काम शुरू करवाए हैं जैसे कि सेक्टर 38 में ट्रिब्यून के पास फ्लाई ओवर का काम चल रहा है, एक अंडर पास वहां बनना है, वो मैडम ने शुरू कराए हैं और मैडम ही उनका उद्घाटन करेगी संसद के मेंबर बन के जब वो पूरे हो जाएंगे। और उनके अलावा जैसे उन्होंने कहा कि मोनो रेल चलाएंगे, मोदी जी कल उस चीज पे मोहर लगा के गए हैं कि यहाँ के लिए सिटी छोटी है, वो ट्रेन नहीं चल सकती मेट्रो, लेकिन मोनो रेल जो कम पैसों में बढ़िया सुविधा वही सुविधा मिलेगी, उसकी टिकट ही कम होगी। ये लोगों को जो मैडम ने कहा था, मोदी ने कल उस पर मोहर लगा दी कि मोनो रेल का काम बहुत जल्दी शुरू होगा और 2-3 साल में बनके तैयार हो जाएगा। आपने पार्षद रहकर इन 5 सालों में अपने मनी माजरा के लिए क्या क्या काम किए? ऐसे है, जब मैं पार्षद बना और पार्षद की वोट मांगने के लिए लोगों के बीच में गया तो लोगों ने मेरे को ना पानी की बोतलें भर भर के दिखाई या बाल्टियों में पानी दिखाया कि देखो जी हम गंदा पानी पी रहे हैं, किसी ने हमारे ओर ध्यान नहीं दिया। मैं उस दिन जब मेरे को कोई बुजुर्ग मिलता था या कोई बच्चा बीमार होता था, मैं उनसे बोल के आता था कि मैं अगर पार्षद बना तो सबसे पहले मेरा काम होगा कि मैं लोगों को स्वच्छ जल उपलब्ध करा सकूं। और उसके बाद मैं इस चीज को लेकर हाउस में गया, मैडम से बोला और 1.5 करोड़ की लागत से शहर की पाइपें बदली गई, जिसका नतीजा ये हुआ कि आज शहर के लोग साफ सुथरा पानी पी रहे हैं। और उसके बाद जब स्मार्ट सिटी में हमारा चंडीगढ़ शामिल हुआ, खुशी की बात है कि सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है चंडीगढ़ 24 घंटे पानी लेकर आना। अब
खजौली से जो 24 घंटे पानी का प्रोजेक्ट आ रहा है, मैडम किरण खेर की कृपा से या मदद से वो 24 घंटे पानी सबसे पहले मनीमाजरा आएगा। और जल्दी ही इलेक्शन का कोड कनेक्ट लग गया था, इस वजह से वो उद्घाटन नहीं होता। इलेक्शन के बाद उस काम को शुरू कर दिया जाएगा और मनीमाजरे के लोगों को 24 घंटे पानी मिलेगा, जिनको कि गंदा पानी मिलता था। और इसका एक उदाहरण, आप कभी भी सिविल हॉस्पिटल हमारे जाइए, वहां पर डॉक्टर बंसल जी हैं, वो कहते हैं कि मेरे को एक दिन लगा कि यहां पर जो महीने से दो महीने से मरीजों में कमी आ गई, जिनके अंदर संक्रमण हो जाते थे। उन्होंने फिर पता किया कि ऐसा क्या है, जब कोई देखो हमारे पास 10 रोज मरीज आ रहे थे किसी चीज के, लेकिन वो एकदम कम हो गए, 2 या 1 रह गए। तो उन्होंने पता किया, तो जो पैरने की पैपों का उनको पता लगा कि चेंज हो गया है, इन्फेक्शन अब होगा ही नहीं, इन्फेक्शन की वजह से लोग बहुत बीमार हो रहे थे। उसके बाद उन्होंने मेरे को फोन करके बताया कि आपने बहुत बढ़िया काम किया, मेरे पास 80% मरीजों की कमी है, उसके टाइम अच्छा पानी मिलने से लोग ठीक हो रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ मनी माजरा के पार्षद, कैमरामैन चंद्र प्रकाश के साथ मंदीप गौतम की रिपोर्ट, अर्थ प्रकाश न्यूज। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।